महावीनगर कांदीविली में इट्स अ पैराडाइज फॉर वेजिटेरियन। यहाँ पे से वेज खाने को मिलता है। लोकेशन डी मार्ट एंड क्रोमा के सामने से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो यार वी आर एक्सप्लोरिंग की और हम क्या क्या खा सकते हैं। सो यहाँ पे ना फ्रेंड्स सीरियसली खाली पेट ही आना, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है खाने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये खाओ वो खाओ क्या क्या खाऊँ मैं एंड क्या क्या पीऊँ। सो वी वर प्लानिंग एंड थिंकिंग। तो ये पूरनपोली घर इज इन थाने ऑल्सो एंड यहाँ पे भी इसका आउटलेट है। हाइचा इज ऑल्सो अ वेरी गुड आउटलेट ओवर हियर। बहुत सारे ऑप्शन है खाने में। सो हमने सोचा चलो लेट्स ट्राई सुशी एंड दिस इज अ स्ट्रीट साइड एंड द रेट्स वर क्वाइट अफोर्डेबल। सो क्वालिटी एंड टेस्ट कैसा है उसके लिए मेरा ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आपको डोसा सैंडविच सब मिल जाएगा एंड ये है कोरियन जिगली मैंगो मैन जो अवेलेबल नहीं था एंड आई वाज वेरी सैड, बट बाकी चीज़ मुझे ट्राई नहीं करनी थी। सो हमने सोचा चलो लेट्स स्टार्ट विद सम हेल्दी ऑप्शंस, बिकॉज डोएल को खाना था ये सूप और ये सैलेड। सो दिस वाज अ मिक्सचर ऑफ सम हेल्दी सैलेड्स एंड सूप एंड आपको पालक के सूप, आपको बहुत सारे वेजिटेबल सूप एंड बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। ये हमने लिया था पास्ता सैलेड। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी वेंट टू सुशी हाउस। अब सुशी हाउस महावीनगर में मिलना इज लाइक अ वाव, बिकॉज द रेट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल एज कंपेरिजन टू हम जो नॉर्मल फाइन डाइनिंग में जब जाते हैं एंड वॉट वी हैव इट ओवर देर। इट्स क्वाइट डिफरेंट बट वेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड टेस्ट ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट। ये ब्लू राइस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई एंड आई लव ब्लू राइस सुशी। इसमें एवोकाडो था, क्रीम चीज़ था एंड एस्पेरगस था एंड इट वॉज टॉप्ड विथ क्रीम चीज़ अगेन एंड इट वॉज सर्व विथ सोया सॉस एंड वसाबी एंड विथ पिकल्ड जिंजर बिकॉज इट गोज बेस्ट। द सेकेंड थिंग वी ट्राइड ओवर हियर वॉज दिस वियतनामी रोल जो एक राइस पेपर होता है। सो इट इज इन साइड द राइस पेपर देर आर नूडल्स विच आर सीजन्ड नूडल्स एंड इट वॉज क्वाइट स्पाइसी इन टेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये थोड़ा सा रोस्ट करती है लोग तवे पे ताकि इसका जो आउटर लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी हो। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो सर्व्ड विथ सोया सॉस एंड सब पेपरिका पाउडर दे हैड स्प्रिंकल्ड ऑन टॉप। दिस वॉज चिली सॉस एंड इट वॉज रियली बेस्ट।
सो यहाँ पे बात आई चॉपस्टिक से खाने की, तो आप में से किन लोगों को चॉपस्टिक्स यूज़ करने नहीं आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मैंने अपना फर्स्ट सुशी रोल तो खा लिया एंड डोयल नाकामयाब रही इस कार्यक्रम में, सो उसने हाथ से खा लिया एंड दो शी इज़ नॉट अ कोरियन एंड सुशी फैन, सो डेफिनेटली इट वॉज बी डिफिकल्ट फॉर हर टू जज, बट बिकॉज मैंने बहुत जगह पर सुशी खाया तो सुशी वॉज रियली वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, आई कुड फील ऑल द फ्लेवर एंड वियतनामी रोल वॉज वाव A1, 10/10 फॉर दिस। अब इतना सारा चीज़ खाने के बाद प्यास तो लगेगी ना, सो हम चले गए बॉटम्स अप और यहाँ पे हमने पिया फ्रूट शॉट्स। पान का फ्लेवर है, बहुत रिफ्रेशिंग है, एक्चुअली अच्छा है ना, ठंडा एकदम ठंडा, बहुत अच्छा है। ये उनका बेस्ट सेलर है जामुन एंड बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ये पीने के लिए, बट मैं आपको बताने वाली हूँ बाकी फ्लेवर भी कौन से जो डेफिनेटली ट्राई, पान तो जरूर ट्राई करना। अच्छा है जामुन, वेरी नाइस। वेरी नाइस पल्पी, पूरा पेड़ का टेस्ट, बाबा इज नाइस, पूरा पेड़ का टेस्ट है एंड ये जो कॉर्नर पे एजेस पे जो है ना वो दैट्स चिली, दैट्स एक्चुअली द मसाला। दिस इज फाल्सा, सो दिस इज मेड आउट ऑफ ग्रेप्स, ये ग्रेप्स का है, लेट्स टेस्ट। चीयर्स। ठंडा ठंडा है बहुत ज्यादा, नाइस। ये है लैला मजनू, तो हमारा लैला मजनू आ गया मॉर्निंग तो बहुत लैला हो, ये मजनू। सो लेट्स ट्राई लैला मजनू, आई थिंक लैला मजनू इज गोवा इन जामुन का मेरे को कलर दिख रहा है, सो लेट्स सी कैसे जाते कॉम्बिनेशन। मुंबई करों को पता है क्या है, धक्का मुक्की, जो ऐसा हम करते रहते ना मुंबई ट्रेन में, वी आर हैविंग दिस धक्का मुक्की। तो ये मेरे को क्या लग रहा है, पर स्ट्रॉबेरी एंड पान का, पान पान आई गेस एंड देन जामुन। चीयर्स। चीयर्स। वाओ मतलब मस्त है ना, रिफ्रेशिंग है, पूरा फ्रूट। ये धक्का मुक्की खा के बिल्कुल धक्का नहीं लगा, बट मैं कहूँगी मुक्की अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सो सब्सक्राइब। सो मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना कोरियन स्टॉल से मेरी नज़र नहीं हटती, तो मैंने सोचा ये कॉर्न डॉग ट्राई करना तो बनता है, सो दिस इज वेज कॉर्न डॉग। हटके सो इसका आउटर लेयर वाज वेरी क्रिस्पी एंड अंदर इट वाज सो चीजी एंड आई लव द सीजनिंग दे यूज्ड ओवर हियर। ऐसे करके कुछ खाना, कुछ लोगों को ऐसे खाना पसंद नहीं है, डोयल क्या बोल रही थी तो मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा था बिकॉज मेरा ध्यान ये चीज़ पुल चैलेंज में था। सो फ्रेंड्स चलते चलते ये कोरियन स्टॉल दिख गया, खाने का तो बहुत मन था बट पेट में जगह नहीं था, बट बोबा टी के लिए देयर इज ऑलवेज स्पेस। स्लशी, मिल्की, फ्रेंड्स अगर आप मुझे जानते हैं आपको पता है बोबा टी मेरा कितना फेवरेट है, तो ये दो बेस में आते हैं विथ मिल्क एंड विदाउट मिल्क, मैंने विथ मिल्क लिया है एंड इसमें मिल्क मेड भी गया, आप देख सकते हो रिव्यू के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। तारो टी बोबा टी बटर स्कॉच जैसा टेस्ट है, वेनिला स्वीट फ्लेवर, नाइस, अच्छा।
क्वालिटी है, बहुत मस्त है, स्वाद चॉकलेट है, खट्टा मीठा रहता है।